हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस क्लासरूम में मेरे साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेटा हम इस नए लेक्चर के अंदर घूमने वाले हैं, जाने वाले हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स एक मज़ेदार सा, एक बढ़िया सा पोर्शन है प्लांट मॉर्फोलॉजी का। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बेटा आज तो तुम पढ़ोगे फ्रूट्स, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, अगर उसको हम जरा सा थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम ना कनेक्शन बना पाएंगे। बेटा सारी गेम ना बायो में ना कनेक्शंस किया कि आप चीजों के बीच में कितने अच्छे से कनेक्शंस क्रिएट कर पाते हो। द बेटर कनेक्शन दैट यू आर एबल टू मेक, आपका कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है बेटा, कि आपने समझ लीजिए कि इस तरीके से क्या किया, यहाँ पे ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बेटा स्टार्ट करते हो इधर से, तो फिर इस टॉपिक की ये वाली कहानी, ये वाली इस टॉपिक के साथ रिलेटेड ये जितनी भी कहानियां हैं आपने सब पढ़ ली। अब उसके बाद अब आपको एक आइडिया लग गया कि यार इस टॉपिक में उधर मैंने ये भी चीज पढ़ी, इधर मैंने ये भी चीज पढ़ी, यानी ये अलग अलग चीजें हैं जो मुझे इस टॉपिक में देखने को और पढ़ने को मिल सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए किसी भी टॉपिक की ना बेटा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आज हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। तो आओ मेरे साथ देखते हैं बेटा फ्रूट जो था वो क्यों बना, कैसे बना, इसकी ना बेसिक फिलॉसफी को समझते हैं। तो देखो क्या है कि एक एंजियोस्पर्म जब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स ने देखा यार कि हमने एक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाई जिसको हमने फ्लावर स्टॉम किया। क्या किया? इस तरीके से फूल लिए, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी यहाँ पर फ्लावर्स को डिजाइन कर दिया। अब फ्लावर्स को डिजाइन कर दिया क्यों? अब आप अंडरस्टैंड करो इसका कंसेप्ट कि व्हाई डू यू नीड टू मेक अ फ्लावर। तो एक फ्लावर बनाने का, मैं जानबूझ के फ्लावर बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज फ्लावर। तो हम क्यों फ्लावर बना रहे? अब ऐसा है कि ब्रायोफाइट्स को देखा तो मेल गैमेट को फीमेल में ट्रांसफर करना था, इसके लिए पानी की जरूरत थी। और सोचो कि जिस दिन पानी ना हो, प्लांट के आसपास पानी सूख जाए, तो क्या प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिक्स हो पाएंगे? नॉट एट ऑल। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन हो पाएगी? नहीं। दैट मीन्स आगे जनरेशंस बन पाएंगी? नहीं। तो ये बात बेटा हमें ब्रायोफाइटा से समझ आती है। अब ब्रायोफाइटा से जब टेरिडोफाइटा गए तो तब भी यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि पानी की जरूरत थी। फिर टेरिडोफाइटा से जब हम आगे बढ़े जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म ने कहा कि यार ये पानी का झंझट छोड़ो, हम क्या करते हैं, ये जो मेल गैमेट है ना, इस मेल गैमेट को ट्रांसफर करने की जगह हम मेल गैमेट को पकड़े रखने वाले इस गैमेटोफाइट जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म ने क्या किया, वो इस तरीके से फील्ड में बैठे हुए थे, ग्राउंड में चल रहे थे, ऐसे हवा आई और सारे के सारे पॉलन ग्रेन झड़ गए और पॉलन ग्रेन हवा में फैल गए। अब तुम सोचो पॉलन ग्रेन बेटा इतने सारे थे, हवा में फैल चुके हैं, तो ये अब जो ये वाले पॉलन ग्रेन हैं ये जाके किसी फीमेल वाली बॉडी के पास पहुंचने चाहिए। तो अब इमेजिन करो कि कैसा है कि हवा में बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, तो उतने हवा में पॉलन ग्रेन फैल गए, डिस्पर्स हो गए। तो बेटा एक प्रॉब्लम यह है कि जो हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन है, जरूरी नहीं कि वो हर बार सही प्लांट के पास पहुंच जाए, वो फीमेल वाले पार्ट के पास पहुंच जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। यानी हवा में तुमने क्या किया, ऊपर मैंने हवा के अंदर इस तरीके से पॉलन ग्रेन फेंक दिए, बिल्कुल पॉलन ग्रेन उड़ के इधर उधर जा सकते हैं, वो खाली जमीन पे गिर सकते हैं, इधर उधर वेस्ट हो सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन ना, जिम्नोस्पर्म्स ने कोशिश तो करी कि पानी से डिपेंडेंसी हम हटा ले, लेकिन अभी ये बात नहीं समझ पाए कि यार पॉलन ग्रेन जो है अगर हमने उनको हवा में छोड़ दिया तो उससे नुकसान बहुत होता है। क्या नुकसान होता है? कि पॉलन ग्रेन जहां पे पहुंचने चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर उनसे आगे डेवलप्ड फॉर्म में कौन आए? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म बड़े इंटेलिजेंट, वो कहते हैं यार देखो यार पॉलन ग्रेन का सारा झंझट है ना कि मेल को फीमेल गैमेट के, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, तो हम पॉलन ग्रेन की मदद ले रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एनिमल की मदद लेता हूं। किसकी मदद लेता हूं? एनिमल की मदद। तो ये एंजियोस्पर्म आया, एंजियोस्पर्म ने एक फूल बना दिया। अब फूल बनाए तो बाकी लोगों ने कहा कि भाई तुझे एनिमल चाहिए, फूल क्यों बनाया? तो एंजियोस्पर्म कहता है अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे कम मत समझो, ये फूल इसलिए है कि इस फूल को देख के एक एनिमल मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। कहते कैसे? कहते देखो ये मेरा फूल है, इस तरीके से मेरे फ्लावर्स हैं, तो आपको क्या यहाँ पे पेटल्स दिखाई दे रहे हैं? कहते हाँ तुम्हारे पास पेटल्स हैं, देखने में सुंदर है कि बदसूरत है? कहते बहुत सुंदर है। क्या खुशबू आती है इनसे? कहते हाँ बिल्कुल आती है। तो देखो यही तो बात है, मेरे पेटल्स बेहद कमाल के, एकदम खूबसूरत, इनसे बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है, तो इनसे अट्रैक्ट होते हुए इनकी तरफ आकर्षित होते हुए एक एनिमल इस फूल के पास चला आएगा।
अभी एनिमल फूल के पास चला आया, एनिमल लगा क्या भाई सब मजेदार से खुशबू आ रही है, चलो इसके पास चलते हैं क्या है वहां पर। इसी तरीके से तुम इमेजिन करो कि भाई साहब आंखें बंद करे, क्या मजेदार सी राजमा की खुशबू आ रही है किचन से, हो आज तो राजमा बने। और तुम किचन में पहुंचे और देखो वहां पे राजमा नहीं, क्या मूड खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा ना यार, इतनी उम्मीद से गए थे भैया हमें मिला ही नहीं खाना। तो यही जो एनिमल्स थे खुशबू लिया और दौड़ते चले आए फूल के पास, उसको देखते हैं कि बड़ा रंगीन है तो यहाँ पे कुछ मजेदार सी चीज मिलने वाली है। फूल के पास आए कोई कुछ भी नहीं, वहां तो कुछ बना ही नहीं। तो फूल ने सोचा यार, एंजियोस्पर्म ने सोचा कि अगर मैंने इनको अट्रैक्ट कर तो लिया, अपने पास भुला तो लिया, एक बार बेवकूफ बनाऊंगा बार बार नहीं बना पाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, अपने प्लांट के अंदर बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्या करेंगे अपने प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं नेक्टरीज। क्या कहते हैं, नेक्टरीज। नेक्टरीज फ्लावर्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्टरीज एग्जैक्टली क्या होते हैं, नेक्टरीज आर ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस नेक्टर। क्या बनाते हैं, ग्लैंड दैट प्रोड्यूस नेक्टर। अब नेक्टर क्या है, तुम समझ सकते हो नेक्टर एक बढ़िया सा मीठा सा एक जूस। तो अगर हमारे पास इस तरीके से एक फ्लावर है, फ्लावर में इस तरीके से आप यहाँ पे पेटल्स देख सकते हो, तो जो पेटल्स के बेटा लोअर एंड जो है ना, यहाँ पर आपको लगे हुए ना नेक्टरीज मिलते हैं। ये जो मैंने ब्लू से यहाँ पे मार्क कर दिया, इनका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर शायद दिखाई देगा। ये थोड़ा यहाँ पे, ये अपने को जो दिखाई दे रहे हैं नेक्टरीज। अब ये एनिमल जो था उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हुआ खुशबू से, है ना, इन सब चीज़ों से, और नेक्टरीज के पास आया और उसने नेक्टरीज के पास आके वो जूस पिया और मज़ा आ गया। इतनी देर में ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला फ्लावर कहता है कि देखो यार तुमने आके हमारे अंदर फ्लावर के अंदर आके नेक्टरीज से सारा नेक्टर पी लिया, इसके बहाने हमारा भी तो कोई काम कर जाओ। क्या काम करेंगे, तो ये जो आपके पास फ्लावर्स होते हैं ना बेटा, वो यहाँ पे ना इस तरीके से एंथर सिचुएट करा देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये ओवरीज यहाँ पे पड़ी होती। तो ये फ्लावर्स कहते हैं कि जब ये एनिमल्स, ये जो इंसेक्ट्स हमारे अंदर आएंगे ना, आते आते ये ना एंथर से टच हो जाएंगे, और जब ये एंथर से टच हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एंथर से बनाएंगे पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन इस एनिमल पे चिपक जाएगा। तो ये एनिमल जब एक फ्लावर की नेक्टरी से नेक्टर पीने के बाद पेट तो नहीं भरा, मन भी नहीं भरा, पेट भी नहीं भरा, तो नेक्टर को ढूंढते ढूंढते क्या वो दूसरे प्लांट के पास जाएगा, बिल्कुल, तो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा। तो एक फ्लावर में जब नेक्टर पीने आया तो उस फ्लावर से आसपास सारे के सारे क्या लग गए, पॉलन ग्रेन्स लग गए। फिर ये दूसरे फ्लावर में जाता है, और जब बेटा ये दूसरे फ्लावर में जाता है तो उसके दूसरे पहले वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर में ट्रांसफर हो गए। तो जब दूसरे वाले फ्लावर में ट्रांसफर हो गए तो देखो दूसरे वाले फ्लावर के अंदर क्या इस तरीके से बीच में आपको पड़ा हुआ इस तरीके से ये मिल सकता है, यहाँ पे आपको ये ओवरी, ये गाइनोशियम पूरा का पूरा कार्पल मिल सकता है। तो दूसरे वाले फ्लावर के अंदर कार्पल मिल गया, और कार्पल जब दूसरे वाले फ्लावर में मिला तो पहले वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर के कार्पल पर ट्रांसफर, और पॉलिनेशन हो गया, और प्रॉब्लम झंझट सॉल्व। तो एंजियोस्पर्म बड़े इंटेलिजेंट थे। अब एंजियोस्पर्म ने कहा कि देखो फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब अंदर जायगोट बन चुका है, अभी जायगोट बन चुका है, तो अब कंडीशन क्या है, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। और समझो मेरी बात बेटा इस तरीके से, यहां पर जो मैं पहले भी समझा चुका हूं कि हमारे पास इस प्लांट में एक ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, पॉलिनेशन हुई तो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर घुस गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर डाली। और ये कंसेप्ट मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स वाले चैप्टर में, एंजियोस्पर्म्स वाले पोर्शन में प्लांट किंगडम में पढ़ाया था। तो अब कंडीशन क्या है कि ओव्यूल के अंदर जो एग था वो फर्टिलाइज होकर जायगोट बन चुका है, और वहां से डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। तो अब एक ओव्यूल जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा, सीड। और क्योंकि ये ओव्यूल ओवरी में था, तो अब एक ऐसी ओवरी जिसके अंदर सीड होगा, तो ओवरी जो होगी बेटा वो डेवलप हो जाएगी, और डेवलप होके किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों समझाऊंगा, लेकिन अभी समझो कि ओव्यूल जो था, क्या ओव्यूल था, वो सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में। तो अब मुझे एक बात बताओ, फ्लावर के पेटल्स का ये स्टेमेंस का काम क्या बचा, क्या अब आपने जब रिप्रोडक्शन करवा दिया एक फूल के अंदर, तो अब बताओ पेटल्स से कोई और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके कोई फायदा है, नॉट एट ऑल। तो दैट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पेटल्स, ये स्टेमेंस, ये सेपल्स सब झड़ जाएंगे, जो बचेगा वो आपके पास इस तरीके से ओवरी बचेगा, ओवरी जो फ्रूट में डेवलप हो रहा होगा, और उसके अंदर सीड। क्या है मेरी बात, आपको क्लियर हुई, डन।
तो अब बेटा जो सीड बन रही है, अब आप सोचो प्लांट, ऐसे कहता हूँ कि ये रही एक सीड, ये लगा लो, दिस इज अ सीड। तो आप एक प्लांट हो और आपके हाथ में इस तरीके से सीड है और आपको क्या करना है, इस सीड को उठा के फेंकना है। तो हाथ घुमाया, खट खट खट, और फेंक दिया। तो आप क्या चाहते हो और आपने क्यों सीड को फेंका, ये बात समझाते। देखिए बेटा, हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ वॉन्ट्स टू रिप्रोड्यूस, और वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हो ना वो दूर दूर तक फैले। भाई साहब, पूरी दुनिया में जो हो ना सिर्फ उसके बच्चे हो। ये ना एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, अपने बारे में नहीं सोच रहा। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों और पूरी दुनिया में उसके बच्चे फैले, उसकी प्रोजेनी एक्सपैंड हो, पूरी दुनिया में उसकी प्रोजेनी प्रेजेंट हो। तो अब बेटा एक पेड़ है और पेड़ ने सीड बना के अपने सीड समझ लो फ्लावर के पास, वहां पे उस वाले पोर्शन में सीड बनी ओवरी के अंदर, और अब सीड गिर गई। तो प्लांट से अगर सीड गिरती है तो जस्ट प्लांट के नीचे जमीन पे गिर जाएगी। तो जब सीड प्लांट से जस्ट जमीन पे गिर जाएगी तो बेटा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लांट के पास एक और प्लांट, फिर उस प्लांट के पास फिर एक और प्लांट। दैट मींस एक प्लांट के आसपास सारे के सारे एक ही टाइप के प्लांट होंगे। समझो इस बात को कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट प्लांट के पास लगाए, फिर और आगे लगते रहेंगे, यानी एक ही जगह में वो प्लांट रह जाएगा। वो प्लांट क्या अपने आप को पूरी दुनिया में फैला पाएगा? नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा जगह पे अपने आप को फैला पाएगा? नहीं। तो ये प्लांट बड़ा इंटेलिजेंट है भैया, दिमाग है नहीं उसके पास, पता नहीं कैसे इंटेलिजेंस है, यह समझ नहीं आता, लेकिन समझो इस बात को, कंसेप्ट को। वो कहता है कि यार मेरे पास सीड है तो मैं चाहता हूं कि ये सीड दूर दूर दूर, बड़े दूर दूर इलाकों तक पहुंच जाए। तो अगर मेरी सीड दूर दूर इलाकों तक पहुंच जाए तो कैसे, मुझे फिर जानवर की मदद लेनी पड़ेगी। अब ये जो जानवर है ना, इस जानवर को क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता रहता है। तो लगा लो ये बंदर है, ये लेमर्स है, ये पूरे के पूरे जो आपके पास स्क्विरल्स हैं, ये क्या काम करती है, जंगल में घूम रही है। तो एक प्लांट ने क्या बनाया, सीड बनाई। और याद रखो सीड के ऊपर क्या था, फ्रूट था। तो जब आप कोई एक फ्रूट खाते हो तो क्यों खाते हो, कि उसकी सीड खूबसूरत है, इसलिए खाते हो कि फ्रूट खाने में टेस्टी, इसलिए खाते हैं ना कि फ्रूट इज वेरी वेरी टेस्टी। तो जैसे हम लोग खाते हैं वैसे एनिमल्स भी तो खा सकते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, फ्रूट लेते हैं और उसको खाते हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने इस पेड़ से फ्रूट खाया तो मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ के खाऊंगा, नहीं ना। वो फ्रूट लेंगे, घूमते फिरते टहलने, शाम को एकदम घूमने फिरने निकल गए अपने दोस्तों के साथ, और जब खा के मन भर गया और फेंक दिया, जहां पे मन भर गया वहां फेंक दिया। तो एक प्लांट जो जंगल के एक हिस्से में था, उसकी सीड अब जंगल के दूसरे हिस्से में भी है। हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने किसी और कंट्री में चल जाए। समझ पा रहे हो उस बात को? तो वो जो जंगल और जंगल के बाहर उस सीड को फैलाने का काम कौन कर रहा है, वो जानवर कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए जो बेटा ये ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि जो ये हमारा जानवर है उस फ्रूट को एग्जैक्टली उस इफेक्टिवली उस सीड को ज्यादा से ज्यादा जगह पे फैला सके। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो दैट मीन्स आपको बेसिक कंसेप्ट जो बेटा आज अपने को शुरू करना है, आपको इस तरीके से चुटकियों में मस्त फंटास्टिक तरीके से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो इतनी कहानी तो अपने को क्लियर हुई, पक्का डन। अब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें इम्प्लांट की इंटेलिजेंस। तुम लगाओ एक कोकोनट, कोकोनट देखा ना आपने, तो कोकोनट एक समुद्री इलाके में मिलता है। अब कोकोनट जानता है, और एक आम का पेड़ है, लेट्स कंपेयर दिस टू, वन इज कोकोनट वन इज मैंगो। अब मैंगो लो और पानी में फेंक दो, डूब जाएगा। कोकोनट लो और पानी में फेंक दो, वो ऊपर तैरेगा। अब ऐसा क्यों, समझो इस बात को। एक कोकोनट था, वो लगा हुआ था बेटा समझ लो दुनिया में ना कहीं नहीं था, इंडिया के एक कॉर्नर के पास कन्याकुमारी में, समझ लो उसके शोर पे ना एक कोकोनट लगा हुआ है, सी शोर पे कोकोनट का पेड़। उस पेड़ ने क्या किया, फ्रूट बनाया। अब कोकोनट को मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या तो अपने कोकोनट को जो हमारा पेड़ है इसको जानवर खाए, तो मैं अपना कोई खाने का इंतजाम बना देता हूँ, तो हम कोकोनट खाते हैं ना, तो वैसे ही जानवर भी कोकोनट खाते हैं, तो कोकोनट को छीलते हैं और खा जाते हैं, और खाते खाते उसकी सीड को इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं। दैट्स टोटली पॉसिबल। प्लस कोकोनट ने एक और बात सोची, यार मैं तो समुद्र के पास हूं ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक ऐसी फ्रूट और ऐसी सीड बनाऊं जो पानी में फेंक दिया तो पानी में तैरे, ताकि तैरते 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 कभी तो कोई और जगह दुनिया में किसी ना किसी जमीन के पास पहुंच जाएगा, और जब उस जमीन के पास पहुंचेगा तो क्या वहां जर्मिनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा समझ पा रही हो कितना इंटेलिजेंट है ये वाला प्लांट?
अभी अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे बॉटनी में बेटा आगे बढ़ेंगे, आपको प्लस टू पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको जब इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो आपको रियलाइज होगा ये प्लांट्स ना अरे इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि मतलब पूछो नहीं, बहुत समझदार होते हैं। ये प्लांट्स में कैसे समझदारी आई, तुम बोलो सर प्लांट में तो दिमाग नहीं होता, समझदार कैसे होते हैं? बेटा मैं कहूँगा ये इवोल्यूशन के दौरान ये प्लांट्स ने ये सब चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्या इसकी डिटेल है, क्या इसकी खूबसूरती है, ये सब हम देखेंगे आने वाले बाद वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए तो हम ये समझते हैं कि प्लांट ने फ्रूट बना दिया। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब वो फ्रूट कैसे बना, कहाँ से बना, इसके लिए कुछ पोर्शन बेटा हम प्लस वन का पढ़ेंगे। फ्रूट के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं प्लस वन में, प्लस टू में भी छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो मैं आपको प्लस वन का पैराग्राफ और प्लस टू का दोनों का पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। आप अपने साथ प्लस टू जो प्लस वन वाले बच्चे बेटा टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं आपको प्लस वन की एनसीईआरटी आपके पास है, प्लस टू की एनसीईआरटी यहीं से करवा दूंगा। जो आपके अपने प्लस थ्री वाले बच्चे हैं वो बेटा दोनों एरियाज को कवर कीजिएगा, राइट। तो पहले हम करते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट, फिर एनसीईआरटी के बाद हम अपने जाएंगे नोट्स पे, और नोट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन सी चीज़ नहीं। तो करते हैं बेटा शुरू। ध्यान से, फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ने फ्रूट बनाया उससे पहले ज्यादा लोग समझदार नहीं थे। इट इज अ मैच्योर राइपन्ड ओवरी, मालूम एक ऐसी राइपन्ड ओवरी यानी जो पक चुकी है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डन। अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद, देखो फ्रूट कैसे बनना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात समझ आ रही है? यानी मेल ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जायगोट बना दिया, और अब जिस ओवरी में ये सारे के सारे इंतजाम हुआ उस ओवरी ने फ्रूट बना लिया। बट देयर इज अ डिफरेंस, कहते हैं इफ अ फ्रूट, अगर जो हमने पढ़ा वो तो सही थम्स अप, बट इसके अलावा मैं एक नया केस पढ़ रहा हूँ। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अगर हम कुछ प्लांट्स में देखें ना बेटा, उन प्लांट्स में कंडीशन क्या होती है कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है लेकिन फ्रूट डेवलप हो गया, यानी ओवरी फ्रूट में डेवलप हो चुकी है और फर्टिलाइजेशन ना हुई। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? अगर हम कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, केमिकल्स जैसे हार्मोन्स डाल देते हैं, बेटा प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, तो अगर इन हार्मोन्स को उठा के हम प्लांट में डाल देना तो प्लांट भी अपने ओवरी को कन्वर्ट कर लेता है किस चीज़ के अंदर, फ्रूट के अंदर कर लेता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे फ्रूट को हम टर्म करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बोलो बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड अ सीड। क्या है कि हमारे पास इस तरीके से ओवरी है, यहाँ पे सीड है, तो बेटा ये जो ओवरी थी इस तरीके से, ये जो ओवरी थी यहाँ पे जो सीड थी, ओवरी की ये वाली वॉल जब फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो ये क्या बनाती है? पेरिकार्प। यानी वॉल ऑफ द ओवरी दैट इज मेकिंग द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। जनरली द फ्रूट ऑफ द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल कॉल्ड एज पेरिकार्प एंड सीड्स। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प जो है वो फ्रूट की जो आपके पास जो ओवरी है, ये ओवरी एकदम पतले पेपर जैसे हो सकती है, एक कागज़ की तरह हो सकती है, जैसे आपको ये कागज़ देखने को मिल रहा है एकदम पतली सी कागज की तरह हो सकती है, या फिर एकदम ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर कोई समझो कि एग्जांपल, अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल आम ले लेते हैं। आम देखो ये सामने अपने को दिखाई दे रहा है, जब मैं कह रहा हूँ ओवरी, ओवरी अंदर से खोखली होती है तो ओवरी वॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा? पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प दो तरीके से हो सकता है, ड्राई एक पेपर की तरह और एक फ्लैशी। और बोलो बेटा फ्लैशी वर्ड तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, एनीथिंग दैट कंटेन्स फूड सब्सटेंस। तो अगर आप आम को देखें तो आम की बाहर से लेकर अंदर तक, मैं आम की छिलक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आम की गुठली से बाहर मिलने वाला सब कुछ, ये सारी की सारी वॉल है पेरिकार्प। ये सारी की सारी वॉल्व क्या है? पेरिकार्प। ये पेरिकार्प के अंदर आपको कोई इस तरीके का गुदा मिलता है, एक खाने वाली सामान मिलती है, ये वाली चीज की बात हो रही है, हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लैश। डू वी अंडरस्टैंड? जनरली द फ्रूट वॉल, ये कहते हैं जनरली द फ्रूट वॉल कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल कॉल्ड एज पेरिकार्प एंड अ सीड। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, राइट। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp। ये बात ध्यान से समझना, यहाँ पे NCERT word बोल रही है, ये सब बातें बेटा बाद में दोबारा पढ़ाऊंगा, बट मैं कह रहा हूँ पेरिकार्प मोटा सा है तो इसकी तीन लेयर हैं, इस तरीके से तीन लेयर हो सकती है, हो सकती हैं पेरिकार्प में, बाहर वाली, बीच वाली, अंदर वाली। बाहर वाली एपिकार्प, मिडल वाली मीजोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प।
एपी मेजो एंडो, बोल बात क्लियर हुई, पक्का डन। अब जब मैं फ्रूट को पढ़ता हूं तो क्या हर फ्रूट में पेरिकार्प मिलेगा? यस, इतना बात क्लियर हुई। अब वो पेरिकार्प ड्राई हो सकता था, फ्लैशी हो सकता था, ये भी बात समझ गई। तो जब मैं इस पेरिकार्प के लेयर्स को देख रहा हूं तो मेरे को तीन लेयर्स मिल सकते हैं, ये भी बात क्लियर। अब जरा यहां पे तुम लोग अच्छे से फोकस करो। एनसीईआरटी ज़्यादा कहती है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूंगी और नीट में सब कुछ पूछ लूंगी। तो एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा भरोसा, मतलब भरोसा तो करना है लेकिन ज्यादा अपने नोट्स पे रिलाई करना है। देखो बेटा, यहाँ पे ये आम दिया हुआ है, आप क्या करते हो, आप आम का सीजन चल रहा है तो आप क्या करो बेटा, आम लेके आओ और बाहर से एक छिलक निकाल दो, वो येलोविश ग्रीनिश एरिया होता है ना उसको निकाल दो, क्योंकि वो एरिया है एपिकार्प आम के केस में, वो क्या है एरिया एपिकार्प। फिर आम जो खाते हो ना वो एरिया कौन सा है, मीजोकार्प। कौन सा एरिया, मीजोकार्प, डन। अब हमने आम खा लिया तो अंदर से क्या निकली, गुठली। अब क्या करो, गुठली को पकड़े ऐसे ऐसे हिलाओ, आपको आवाज आएगी खट 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 खट। क्यों? क्योंकि उस गुठली जो आपके पास, जो आपके हाथ में बचा ना गुठली, वो क्या है बेटा, एंडोकार्प। और इस तरीके से अगर वो गुठली है तो उस एंडोकार्प के अंदर ये जो है, ये है बेटा सीड। तो आप जो है इस एंडोकार्प को पकड़ के हिला रहे हो, इस तरीके से खट 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 हिला रहे हो, तो आपको एंडोकार्प समझ आया। आम के केस में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों पेरिकार्प के ही हिस्से, लेकिन जो हम कंज्यूम करते हैं आम के केस में वो क्या कंज्यूम करते हैं बेटा, हम लोग आम के केस में कंज्यूम करते हैं मीजोकार्प को। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हम एपिकार्प को फेंक देते हैं और जो एंडोकार्प होता है वो गुठली की तरह समझ के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप एंडोकार्प को कभी बेटा, आज क्या करना, आप एंडोकार्प को तोड़ो, चाकू लो और तोड़ो, अंदर से देखो आपको एक सीड निकलती हुई दिखाई देगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द मैंगो। अब इन द मैंगो एंड द कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। नाम याद रखना, अगर आप फ्रूट देख रहे हैं तो फ्रूट कैसा है, फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, समझाऊंगा बाद में, अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं। तो एक टाइप का नाम है ड्रूप। क्या नाम है? ड्रूप। तो यहाँ पे अपने पास मैंगो एंड कोकोनट दोनों के दोनों कौन सी टाइप में आते हैं, ड्रूप टाइप में आते हैं, डन। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। क्या आपको ड्रूप की क्वालिटी समझ आई कि वो मोनोकार्पिलरी ओवरी से निकल रहा है, ओवरी सुपीरियर ओवरी से निकलेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल यानी एक ही सीड होती है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इंटू आउटर थिन एपिकार्प बाहर का छिलक, अ मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प जिसको हम खाते हैं और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प जिस चीज को गुठली का समझ के कर देते हैं। इन द कोकोनट विच इज ऑल्सो द ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस होता है। एक बात समझ नहीं आ रही, अब ये जो कोकोनट है ये तो बेटा है ना ड्रूप, ये जो कोकोनट है ये ड्रूप है, बिल्कुल। तो इसके पास पेरिकार्प है, यस, इस पेरिकार्प के तीन हिस्से हैं, एपी मीजो एंडो, ये तीन हिस्से हैं, है ना बेटा। अब क्लियर हो रही है बात? तो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प इन द केस ऑफ कोकोनट क्या होता है, समझो। फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा, आज तुम्हें एक हरा वाला कोकोनट पीना पड़ेगा। कोकोनट का, हाँ पी किया था ना, कोकोनट का पानी भी किया था ना, है ना, नारियल का पानी। तो आप क्या करो, एक जाओ नारियल वाले के आदमी के पास और उससे कोकोनट मांगो। जो कोकोनट वो आपको देगा ना बेटा वो ब्राउन कलर वाला नहीं होगा, वो ग्रीन कलर वाला होगा। कैसा? ग्रीन कलर का कोकोनट। अब उस ग्रीन कलर के कोकोनट को वो काटेगा तो आपको रियलाइज होगा कि एक आउटर ग्रीन वाला एरिया होता है, उसके अंदर एक ग्रीन की जगह उसके ग्रीन के अंदर आपके पास एक वाइट वाला एरिया होता है, और उसके अंदर भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ, ग्रीन वाला जो एरिया है वो क्या है, एपिकार्प, जो वाइट वाला एरिया है वो है मीजोकार्प, समझे। अब हम जो नारियल लेके आते हैं, द कोकोनट दैट वी टेक, अब इस कोकोनट को क्या करो, ड्राई कर दो, सूखने छोड़ दो, सुखा दो। तो उससे पता क्या होगा कि वो जो ग्रीन वाला एरिया है वो झड़ के गिर जाएगा और जो व्हाइट वाला एरिया है वो ब्राउनिश फाइब्रस रेशेदार हो जाएगा, जो अपने को यहां दिखाई दे रहा है, जो इस कोकोनट में दिखाई दे रहा है, जिस कोकोनट को अक्सर हम पूजा में यूज करते हैं। इस कोकोनट के केस में देखो आपको ब्राउनिश पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, मीजोकार्प, ये ब्राउनिश पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है। दिस इज दैट, वो व्हाइट वाला पोर्शन जो ग्रीन में था, लेकिन सूखने के बाद वो कैसा हो गया, ग्रीन, राइट। अब कंडीशन एक और है, आप क्या करो, कोकोनट को तोड़ दो
और अंदर आपके पास एक बढ़िया सा ब्राउनिश चीज मिलती है जिसको खाते हो। आपने देखिए ना कोकोनट में जब अपन देखते हैं तो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, एक अपने को ये लेयर मिलती है, ध्यान से देखना कोकोनट में बड़े ध्यान से, मैं इस फोटो को बड़ा सा करके दिखाता हूँ, और ये ध्यान से देखना बेटा फोटो, बड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये कोकोनट में, कोकोनट जब अपन देख रहे हैं ना बेटा, कोकोनट में कुछ अपने को ये दिखाई दे रहा है और इसके बाहर में आपको ये और दिख, अरे भाई रुक जाओ एक सेकेंड, आपको फोटो ऐसे बना के दिखाता हूँ कि आपको टेंशन नहीं होगी। ये वाली लेयर जब कोकोनट में बोलते हैं तो ये होती है मीजोकार्प। ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली कौन सी लेयर होती है बेटा, ये आपके पास एंडोकार्प होती है, और ये वाला आपके पास क्या होता है, ये होता है एंडोस्पर्म। ध्यान से मेरी बात देखना, कोकोनट के स्ट्रक्चर में हम ये दोनों चीजें एडिबल होती हैं, इन दोनों चीजों को खाते हैं। आपने देखा ना कोकोनट के केस में आप जब खाने लगते हो तो बाहर से ब्राउनिश होता है, अंदर से व्हाइटिश होता है, तो यही तो दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलाके अपन खाते हैं। इसके बाहर वाला मीजोकार्प इस तरीके से भी जस्ट पील इट ऑफ, छील के बाहर फेंक देते हैं। तो ये मीजोकार्प और इसके बाहर का एपिकार्प ग्रीन कलर का समझ आए, एपिकार्प सूखने पे झड़ जाता है, मीजोकार्प अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। अपन कोकोनट के केस में एंडोस्पर्म और एंडोकार्प कंज्यूम करते हैं। क्या आपको कोकोनट की बात क्लियर हुई? अब तुम बोलोगे सर कोकोनट में सीड कहाँ है, ये बात नहीं समझ आ रही, ये बात तुम्हें मैं नोट्स में दिखाऊंगा। कोकोनट का जब केस देखोगे तो आपको सीड कहाँ मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें। यहां तक प्लस वन की एनसीईआरटी डन। अब एक काम करते हैं, हम प्लस टू की एनसीईआरटी को देखते हैं कि देखो प्लस टू की एनसीईआरटी अपने को क्या कहती है। प्लस टू की एनसीईआरटी में बेटा, अगर जिनको नहीं पता, मैं नीचे एंड चैप्टर के एंड में जा रहा हूँ, और चैप्टर के एंड में जाते 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 एंडोस्पर्म के बाद, एम्ब्रियो के बाद, सीड के बाद, सीड में एक ये वाला है, ये वाला एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, आप ये वाला पोर्शन खोल सकते, देखते रहना। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। जैसे जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। यानी ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखते रहना अब लाइन बाय लाइन। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड एज पेरिकार्प। अभी अभी बात पड़ी। द फ्रूट्स मे बी फ्लेशी एज इन केस ऑफ गावा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन केस ऑफ ग्राउंडनट और मस्टर्ड एक्सेट्रा। ये बात क्लियर हुई? तो यही बात जो एनसीईआरटी ने प्लस वन में बोली थी, ये प्लस टू में बोल रहे कि जो फ्रूट्स हो सकते हैं वो हमारे फ्लेशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बता चुका हूँ। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द, ये वाली बात छोड़ दो। हाँ, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इन मोस्ट प्लांट By the time fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate and fall off. क्या ये वाली बात बताई थी? जब ovary fruit में develop होती है तो क्या अपने को petals की ज़रूरत है? नहीं। अपने को stamens और बाकी इन सब calyx वगैरह की ज़रूरत है? नहीं। तो वो सब चीज़ें झड़ के गिर जाती है जब कभी भी किसी भी प्लांट के अंदर जो हमारा फ्रूट होता है वो डेवलप हो रहा होता है। लेकिन however, in few species such as apple, such as strawberry, such as cashew, the thalamus also contributes to the fruit formation. आपको ये बात मेरी समझ आ रही है? फ्रूट बनाने के लिए ओवरी मदद करती है, ये बात मुझे समझ आती है। लेकिन जब ओवरी कन्वर्ट हो रही होते फ्रूट में तो बाकी हिस्से गिर जाते हैं, ये बात मुझे पता लग गई, बता दी। लेकिन कभी कभी बाकी जो हिस्से है ना बेटा वो बचे रह जाते हैं, और वो भी ओवरी के साथ मिलके फ्रूट बनाने के साथ साथ फ्रूट बनाने के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ध्यान से देखो। However, in few species such as apple, strawberry and cashew, the thalamus also contributes to the fruit formation. थैलमस तो याद है जिस चीज के ऊपर सारा का सारा सामान बैठा था, इस थैलमस के ऊपर ओवरी थी, यहीं से सब कुछ निकल रहा था। इस थैलमस का काम, ये थैलमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट बनाने के काम में इन्वॉल्व हो जाता है। Most fruit, how, एक मिनट, the thalamus contributes to the fruit formation, such fruits are called as false fruit. ऐसे fruits में जहाँ पे ovary के साथ साथ और भी बाकी चीजें अगर fruit बनाने में मदद कर रही हैं तो ऐसे fruits को बेटा अपन डम करेंगे false fruits. Most fruits, however, develop only from the ovary and are called as true fruits. क्या अब आपको मेरी दो कैटेगरी समझ आई बेटा? कैटेगरी वन,
हमने पेरिकार्प फ्लैशी थी या ड्राई थी, हमने ये बात समझा। अगर पेरिकार्प फ्लैशी थी तो फ्लैशी फ्रूट होगा, अगर पेरिकार्प ड्राई है तो ड्राई फ्रूट होगा। ये दो ये कैटेगराइजेशन समझ आई। अब दूसरी कैटेगराइजेशन समझो, अगर आप फ्रूट को पढ़ रहे हो और फ्रूट टोटली ओवरी से बन रहा है तो उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अलावा बाकी चीजों से भी बन रहा है तो उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। बकाने क्लियर? ये दो कैटेगरी, ये आपको कैटेगराइजेशन पहली फ्लैशी एंड ड्राई क्लियर हुई, दूसरी कैटेगराइजेशन आपको ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट क्लियर हुआ, और इसके बीच में एक वर्ड हमने जो पहले ही पढ़ लिया था, अगर फ्रूट बने ओवरी से बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने ओवरी से लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, तो ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ध्यान से वर्ड सुना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, राइट? कहते हैं ऑल्दो इन मोस्ट स्पीशीज द फ्रूट्स आर रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देर आर अ फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी बताया ना, कुछ कुछ स्पीशीज में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इज इन सच एग्जाम्पल, बनाना के अंदर आपके पास बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है। और ये लाइन अब ध्यान से सुनना, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, पार्थिनोकार्पी को शुरू कराया जा सकता है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। बात क्लियर हो रही है? बताई थी ना अभी प्लस वन वाली एनसीईआरटी, पार्थिनोकार्पी को करने के लिए आपको कुछ हार्मोन्स डालने पड़ते हैं स्पेसिफिक, तो वो हार्मोन्स डालने से बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। तो बेटा सोचो, आपके पास फ्रूट तो बन गया, अंदर जब ओवरी में, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो अब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई, तो क्या ओव्यूल के अंदर सीड बनेगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब अगर कोई फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है तो उसके अंदर कभी भी सीड नहीं मिलती। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई? पक्का डन? तो अगर यहां तक डन, तो बेटा दो पोर्शन जो आपको आपकी एनसीईआरटी प्लस वन एंड प्लस टू वाली बताती थी वो तो फटाफट एकदम मक्खन की तरह अपना डन हो गया। इतनी बात एनसीईआरटी ने करी। अब जरा मैं एनसीईआरटी की कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। बेटा एनसीईआरटी ने अब आपको ये फोटोज दे रखी है, यहाँ पर आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम देखो, थैलमस, सीड, एंडोकार्प, मीजोकार्प, इन सब पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको वर्ड दिया थैलमस, क्लियर हो रहा है? ये स्ट्रॉबेरी का स्ट्रक्चर है। फिर उसके अंदर एक वर्ड दे दिया अकीन। देखो अकीन नाम का वर्ड क्या है ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज पे आपका ध्यान फोकस करवाना चाहता हूँ। बेटा एनसीईआरटी बहुत चालू है, इस वाले पैराग्राफ में अकीन वगैरह कुछ मेंशन नहीं करती, ना प्लस वन में मेंशन करती है ना प्लस टू में, लेकिन पेपर में ना अकीन पे क्वेश्चन आ जाता है, तुम बोलते हो सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अरे बाबा नहीं, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द सिलेबस। समझ पा रहे? अब जब मॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बातें बताऊंगा। ऐसा लगता है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी कुछ नहीं बताती, लेकिन इनडायरेक्टली डायग्राम्स में, इलस्ट्रेशंस में अलग अलग जगह ऐसी ऐसी बातें डाल देगी, हमारे लिए ना उसको समझना बड़ा अजीब सा हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप मेरे साथ आइए और नोट्स पे फोकस कीजिए। हमारे नोट्स अपने को क्या कहते हैं, ध्यान से देखना मेरे साथ। नोट्स बेटा कहते हैं फ्रूट जो है वो एक्सक्लूसिवली एंजियोस्पर्म में मिलता है, डन, मक्खन की तरह आता है। फ्रूट का अपने पास टाइप ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और बोलो आंखें बंद करके अगर तुम बता सको तो बता सकते हो। ट्रू फ्रूट कौन सा था, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ था। फॉल्स फ्रूट कौन सा था, तो बेटा ओवरी के अलावा बाकी हिस्सों से भी डेवलप हुआ था। बोलो बात सही, सही ना? तो ट्रू फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी और उसके कंटेंट, क्लियर? अब फॉल्स फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम ओवरी प्लस, ओवरी से तो हो रहे हैं लेकिन और हिस्से भी इंक्लूडेड हैं, जैसे थैलमस इंक्लूड हो सकता है, जैसे सेपल्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे पेटल्स इंक्लूड हो सकते हैं, डन? ओके, अब जब कोई चीज असली होती है तो उसके लिए वर्ड बेटा अपन क्या यूज करते हैं, यू। और ध्यान से बात सुनना मेरी, कार्प वर्ड हमेशा वर्ड यूज होता है। देखो कार्प, कार्प वर्ड इज रिलेटेड टू फ्रूट और ओवरी। कार्पल पढ़ा था ना, एग्जैक्टली पार्थिनो कार्पी, कार्प वर्ड आ रहे हैं ना मल्टीपल टाइम्स। तो वेन एवर यू फाइंड दिस वर्ड कार्प, कार्प का मतलब एसोसिएटेड विद ओवरी और फ्रूट, क्योंकि दोनों चीज ऑलमोस्ट बराबर ही है, ओवरी ने ही तो फ्रूट बनाना है, तो चाहे आप कार्प ओवरी के लिए यूज कर लो चाहे फ्रूट के लिए यूज कर लो, मस्त अपना तो काम बढ़िया से चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि बेटा ये ट्रू है, और ट्रू मैंने तो पढ़ा है, ट्रू का मतलब क्या होता है, असली, और असली के लिए वर्ड अपन यूज करते हैं यू, तो ये यू कार्प। फिर अगर आपके पास कोई नकली है तो उसके लिए वर्ड अपन क्या यूज करते हैं, बोलो सूडो, और सूडो का मतलब नकली ना, सूडो पोडिया, सूडो सिलोमेट,
सूडो सूडो करके हमने सारी सारी चीजें पढ़ी है। क्लियर हो गया बेटा। अब एक वर्ड देखना, सीडलेस फ्रूट, और बोलो क्या ये बात आपने कभी ऐसा है कि आपने पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं ना, सीडलेस फ्रूट अभी अभी एनसीईआरटी ने हमें समझाया तो मैंने ना एनसीईआरटी ने बताया था। सीडलेस फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, WO का मतलब विदाउट, शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा लिखने का, दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन न हुई, एज नहीं हुई, पार्थिनो कार्पिक, बनाना, ठीक है बेटा। अब अपन क्या कर रहे हैं, फ्रूट की कुछ कहानी। फ्रूट इज अ सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी और अ राइपन्ड ओवरी। ये एक जनरल डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछी जाए तो बेटा आप अपने एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हो। फ्रूट एक ऐसे प्लांट का हिस्सा है जिसके अंदर सीड होती है। मैं एक्सेप्शंस नहीं बोल रहा हूँ, तुम बोलो सर पार्थिनोकार्पिक में तो सीड नहीं होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस बट गिविंग अ डेफिनेशन इन जनरल। फ्रूट इज अ सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी, इसको फ्रूट कहेंगे। अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट की एक वॉल होगी, द वॉल ऑफ द फ्रूट, ओवरी वॉल है। द फ्रूट वॉल जिसको पेरिकार्प कहते हैं वो फ्लेशी हो सकती है, वो ड्राई भी हो सकती है। ध्यान से मेरी बात सुनो, जो अपने पास पेरिकार्प है, फ्रूट की वॉल है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती थी, ड्राई भी हो सकती थी, फ्लेशी भी हो सकती थी। बट अगर इफ इट इज फ्लेशी, अगर वो फ्लेशी है, यहाँ पे ध्यान रखना इफ फ्लेशी में मैंने जरा फोकस किया, अगर वो फ्लेशी है तो मैं आगे कुछ कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। अगर फ्रूट की जो वॉल है अगर वो फ्लेशी है तो फ्रूट को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, उस पेरिकार्प को, नॉट फ्रूट को, पेरिकार्प को तीन हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ। और ये भी हमें आता है, एक आउटसाइड, एक मिडल और एक इनसाइड वाला। तो आउटसाइड वाला कहलाता है बेटा आउटर एपिकार्प, मिडल वाला मीजोकार्प और इनर वाला एंडोकार्प। बोलो बात क्लियर हुई? तो आउटर एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और इनर वाला एंडोकार्प, ये क्या थे? पेरिकार्प के तीन रीजन से। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अगर अच्छे से क्लियर हुई तो बेटा यहाँ पे आप दो हिस्से देख सकते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और ये तीनों हिस्से तो अभी अभी आपने कहाँ पढ़े थे? एनसीईआरटी में पढ़े थे। क्लियर हो रही है बात? पक्का डन। तो एक मुझे बात बताओ, तुमने फ्रूट की कैटेगराइजेशन पढ़ी, फ्रूट की कैटेगराइजेशन, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट आता है, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट आता है। ड्राई और फ्लैशी मैंने किस बेसिस पे कहा? कि फ्रूट का जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी है कि नहीं। अगर फ्लैशी है तो फ्लैशी फ्रूट, अगर ड्राई है तो ड्राई फ्रूट, डन। फिर आप एक बात यहाँ पे जरा अच्छे से देखना, फ्लैशी फ्रूट में जो फ्रूट की वॉल होती है उसको अपन टर्म क्या करते हैं? पेरिकार्प। और पेरिकार्प के तीन हिस्से, आउटर वाला एपी, बीच वाला मीजो और सबसे उधर वाला एंडोकार्प। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई? पक्का डन। अब मुझे क्वेश्चन बताओ बेटा, फ्रूट जो है क्या वो एक ओवरी बना रही है? यस सर। क्या एक फ्रूट एक ओवरी बना रही है? यस। मेरा क्वेश्चन अब ध्यान से दूसरा ट्विस्ट करके बोल रहा हूँ, क्या एक से ज्यादा ओवरी, क्या एक से ज्यादा ओवरी मिलके एक फ्रूट बना सकती है? क्वेश्चन समझे मेरा? क्या मोर देन वन ओवरीज मेक अ सिंगल फ्रूट? कहानी क्लियर हो रही? तो ये मेरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बेटा हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। उस क्लासिफिकेशन को बड़े ध्यान से समझना। हमने कहा फ्रूट टाइप, मैं फ्रूट की क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन कैसे करी? बेस्ड ऑन हाउ मेनी फ्लावर्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ फ्रूट। हमने क्लासिफिकेशन करी कि फ्रूट कैसा है। हमने फ्रूट की क्लासिफिकेशन में बोला सिंपल फ्रूट हो सकता है, एग्रीगेट फ्रूट हो सकता है, कंपोजिट फ्रूट हो सकता है। ये हमने तीन टाइप की कैटेगरीज पढ़ी। कन्फ्यूज नहीं होना, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने फ्रूट को बोला ट्रू और फॉल्स फ्रूट, ठीक। फिर दूसरा पढ़ा फ्रूट को ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं पढ़ रहा हूँ तीसरी कैटेगराइजेशन, जहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रूट तीन तरीके का है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। कौन कौन सा? सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, ये तीन कैटेगरीज बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब इन तीन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। ज़रा इंडिविजुअली फोकस करना, ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्रूट, अ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। एक फूल है, सिंगल फूल, उसमें से अगर एक फ्रूट बन जाए तो उसको सिंपल फ्रूट कहेंगे। क्लियर मेरी बात? अब ध्यान से सुनना, देयरफॉर इट कैन बी सेड एज अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ मोनोकार्पेलरी ओवरी। एक ओवरी, एक गाइनोशियम जो मोनोकार्पेलरी था, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही से बना हुआ था, उससे भी डेवलप हो सकता है। अगर ये तो बात समझ आई ना, बट अगर आप बताओ, अगर आपके पास सिनकार्पस कंडीशन है, कैसी?
सिनकार्पस, और सिनकार्पस कंडीशन में क्या मल्टीपल कार्पल्स आपस में फ्यूज थे? बिल्कुल होते हैं। तो सिनकार्पस कंडीशन को भी बेटा जब अपन स्टडी करते हैं तो सिनकार्पस कंडीशन के अंदर भी पॉलीकार्पल सिनकार्पस कंडीशन में एक ही ओवरी है, चाहे वो फ्यूजन से बनी लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर बैठी है ना ओवरी जो है वो, इस तरीके से एक ही फ्लावर के अंदर बैठी है। तो दिस ओवरी इट इज फाइनली मेकिंग वन फ्रूट एंड इट इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल सिंपल फ्रूट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके पास ओवरी मोनोकार्पेलरी थी या पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस थी, समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे कैटेगराइजेशन को अंडरस्टैंड और हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे ना तो कंसेप्ट देखो ऐसे ऐसे एकदम मस्ती से क्लियर हो जाएगा। ओवरी मैं कहता हूँ यहाँ गाइनोशियम, इसकी कैटेगराइजेशन बेटा अपन ने पढ़ी थी, तो हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी पॉलीकार मल्टीकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी के अंदर भी मैंने यहां पर आपके पास कंडीशन पढ़ी थी एपोकार्पस और सिनकार्पस, कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस। तो सिन एक बात बताओ मोनोकार्पेलरी कंडीशन में कितनी ओवरीज दिखेंगी, मतलब विजिबल? वन ओवरी। सिनकार्पस कंडीशन में कितनी ओवरीज दिखेंगी? विजिबल। कितनी दिखेंगी बोलो, कितनी? सिनकार्पस कंडीशन में क्या सब लोग फ्यूज कर चुके थे? यस। जब फ्यूज कर चुके तो यूनिट तो एक ही दिखाई देगी ना, तो विजिबल वन ओवरी। लेकिन बेटा एपोकार्पस होगी, पॉलीकार्पेलरी है दैट मीन्स खूब सारी है और वो आपस में जुड़ी नहीं है, तो इसलिए विजिबल मल्टीपल, बहुत सारी अलग अलग ओवरीज दिखाई देंगे। क्लियर? यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सी चीज, यहां पर आपको पढ़ा रहा था सिंपल फ्रूट। तो बेटा सिंपल फ्रूट आता है कहां से? एक फूल से, एक फ्लावर से, और जिस फ्लावर में आपको कौन सी मिलती है, मोनोकार्पेलरी ओवरी या फिर सिनकार्पस? मैं कहूँगा सिंपल फ्रूट हमारे पास ये भी सिंपल फ्रूट बनाएगी और ये भी सिंपल फ्रूट क्रिएट करेगा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? पक्का डन। तो अगर ये दोनों बेटा सिंपल फ्रूट क्लियर करेंगे तो ये जो एपोकार्पस कंडीशन है ये डांस थोड़ी करेगी, ये क्या करेगी? देखते हैं सेकेंड कैटेगराइजेशन। सेकेंड कैटेगराइजेशन है एग्रीगेट फ्रूट, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, अभी भी एक ही फूल है लेकिन फ्रॉम अ पॉलीकार्पेलरी मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर। किसी एक फूल के अंदर जब आपके पास किसी एक फूल में, लेट मी सी अगर कोई फोटो बनी हुई है, देखो यहां पे आप एक फ्रूट देख सकते हो इस, अरे ये एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, थोड़ा सा इग्नोर करना। इस कंडीशन में ध्यान से देखो, यहाँ आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, इस फ्लावर, अरे भाई भाई भाई, इस फ्लावर में ये फ्लावर के हिस्से, ये अपने पास नीचे वाला हिस्सा, ये अपने पास पेटल्स, यहाँ पे एक ओवरी, दूसरी ओवरी, तीसरी ओवरी, चौथी ओवरी, ये सारी की सारी ओवरीज विद इन अ सेम फ्लावर दिखाई दे रही है। तो कंडीशन क्या है एग्रीगेट के लिए? एग्रीगेट के लिए कंडीशन बेटा अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एपोकार्पस कंडीशन में मल्टीपल मल्टीपल ओवरीज हैं, तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास कौन सा फ्रूट बनेगा? एग्रीगेट फ्रूट। कौन सा फ्रूट बन जाएगा बोलो? एग्रीगेट फ्रूट। क्या ये बात धन धनाधन एकदम मजेदार तरीके से क्लियर हुई? अगर ये क्लियर हुई तो अब फाइनली कंपोजिट फ्रूट, ध्यान से सुनना, कम्स फ्रॉम मेनी फ्लावर्स। यहाँ पर ये और ये दोनों सिंगल फ्लावर से आ रही थी, लेट्स हाईलाइट देम ताकि हमारा ध्यान जाए, सिंगल फ्लावर सिंगल फ्लावर। लेकिन यहाँ कंडीशन बेटा कुछ अलग है, यहाँ पे फूल एक नहीं मल्टीपल है, मेनी फ्लावर्स है। अगर फ्लावर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, तो किस तरीके से कंडीशन हो रही है तुम समझो। हमारे पास आपको बेटा एक वर्ड पढ़ाया था मैंने इन्फ्लोरेसेंस, पूरा एक लेक्चर लिया इन्फ्लोरेसेंस में, और इन्फ्लोरेसेंस में मैंने आपको बात बताई है पेडंकल। पेडंकल मतलब वो स्टेम, वो वाला स्टेम जो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक ऐसा जो शूट मेरिस्टेम था जो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया,
तो आप अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस तरीके से ये अपने पास यहाँ पर ये है, ये इस तरीके से पेडंकल है और पेडंकल पे यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे समझ लो रेड रेड मैं ऐसे फ्लावर्स बोल रहा हूँ, तो अब कंडीशन पता क्या हो रही है, समझो बेटा ये एक सिंगल फ्लावर है, ये एक सिंगल फ्लावर है, ये पूरी ब्लैक से पेडंकल दिखा रहा था, ये पूरी की पूरी चीज़ इस तरीके से कंबाइन हुई और एक सिंगल फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये पूरी की पूरी चीज एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसी अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, हम लोग टर्म करते हैं कंपोजिट फ्रूट। कैसे होगा, एग्जांपल्स क्या है ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट क्या आपको यहां तक ये वाली बात क्लियर हो गई? अगर बेटा अपने को इतनी वाली बात क्लियर हो गई तो मेरे साथ नेक्स्ट वाला पोर्शन देखो। नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर अब हम थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हैं और डिटेल में कहते हैं कि मैंने जो पहली कैटेगराइजेशन देखी थी ना, हमने फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट कहा था। हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट को सक्युलेंट फ्रूट नाम से मालूम लगता है, इसे पेरिकार्प के तीन हिस्से हैं मालूम लगता है। अब इसके तीन हिस्से जो होते हैं, अब मीजोकार्प अक्सर जूसी सा बन जाता है, तो यहाँ पे फ्लैशी फ्रूट की हमें टाइप्स मिल जाती है, फ्लैशी फ्रूट की अपने को टाइप्स मिल जाती है। ड्रूप पढ़ा था ना NCERT में +1, मैं समझा रहा हूँ कि फ्लैशी फ्रूट है और फ्लैशी फ्रूट में अक्सर नॉट ऑलवेज बट अक्सर बहुत सारे केसेस में अपने पास फ्लैशी फ्रूट की जो बॉडी होगी वो फ्लैशी सी हो जाएगी, वो एक इस तरीके से एक रसदार हो जाएगी। तो अब उसके टाइप्स हम देख रहे हैं फ्लैशी फ्रूट के आगे टाइप्स, ड्रूप बेरी पेपो पोम हेस्पेरिडी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो अपने को किसकी मिलती है, फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप मिलते हैं। दूसरा बेटा अपन देख रहे हैं ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट तो बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पे, हम कहते हैं कि जो ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है, इस ड्राई फ्रूट की वॉल हमेशा ड्राई रहती है, यानी पेरिकार्प फ्लैशी नहीं है, पेरिकार्प एकदम सूखी सूखी एक कागज़ की तरह पतली पतली है, ये किसकी बात हो रही थी, पेरिकार्प की। तो पेरिकार्प इस ड्राई फ्रूट में इस तरीके से, अब मैंने ड्राई फ्रूट को आगे दो और कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया है, डिहाइसेंट, इनफैक्ट तीन कैटेगरीज यहाँ पे, ये शाइजोकार्पिक इज नॉट सच इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इन दोनों को देखो, डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट, और फिर इनडिहाइसेंट को भी आगे मैंने इस तरीके से बांट दिया। इतनी सारी डिटेल बोलो सर आप करवा रहे हो, तो बेटा एक मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ, जरा इस फोटो देख के तो मजा ही आ जाएगा, दिख रहा है आपको, इस फोटो में फ्रूट को लिया इस तरीके से बांट दिया सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट, और सिंपल को मैंने बांट दिया ड्राई और बोलो फ्लैशी फ्रूट में, फ्लैशी फ्रूट की ये सारी की सारी आपके पास कैटेगराइजेशन है, ड्राई फ्रूट में डिहाइसेंट इनडिहाइसेंट और तीसरी शाइजोकार्पिक, और देखो डिहाइसेंट की इतनी सारी कैटेगराइजेशन, इनडिहाइसेंट की इतनी सारी कैटेगराइजेशन, शाइजोकार्प की इतनी सारी कैटेगराइजेशन है, और आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा आपको बेटा इनमें से कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी सब नहीं, तो अपने को सिर्फ ये इतना सारा मेहनत करके लिखने का सिर्फ एक पर्पस था, आपको बेसिक आइडिया लग जाए, आपको आइडिया लग जाए कि ये सब चीज़ें बेटा हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इन सब चीज़ों की नज़र के सामने से आपका गुजर जाए, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम इनमें से कुछ कुछ चीज़ों की डिटेल्स को पढ़ेंगे, वेरी वेरी लिटिल लिटिल डिटेल्स। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको फ्लैशी फ्रूट्स पढ़ा दिया, फ्लैशी फ्रूट के टाइप बता दिए बेटा, यहाँ पर ये टाइप का नाम अपने को याद करना है तो मैं कहूँगा 100%, इनफैक्ट मैं इनके साथ इनके टाइप्स की आपको एग्जांपल्स भी बोलूँगा, वो भी आपको 100% याद रखने ही रखने हैं। फिर ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में तीन कैटेगरी हैं, डिहाइसेंट इनडिहाइसेंट शाइजोकार्पिक, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, इनको अगर हाईलाइट कर दूँ तो आपको पॉडलेगियम ध्यान रखना है, आपको कैरियोप्सिस याद रखना है, आपको नट याद रखना है, आपको कैप्स्यूल अकीन याद रखना है, और आपको और कुछ नहीं याद रखना, बस जो इनको मैंने हाईलाइट किया है ड्राई में उनको, और इसमें तो भैया मैं सबको हाईलाइट कर दूंगा, ये सब आपको मालूम होने चाहिए, क्या अपने को बात क्लियर हो रही है? तो मैंने बेटा कैटेगराइजेशन में बोलो ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, ठीक है। ड्राई फ्रूट के अंदर हम इनको थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स देखेंगे, वो पढ़ लेंगे, और हम इनकी डिटेल्स नहीं देखेंगे क्योंकि चाहिए इनके नाम एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। बोलो फ्रूट की यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है? पक्का अगर बेटा कहानी क्लियर हो रही है तो यहाँ पे फ्लैशी फ्रूट्स को आपके लिए इस तरीके से बना रखा है, और इतना जो यहाँ पे लिखा है कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, आपको फोटोज़ दिखा रखे हैं यहाँ पर ताकि फोटो से देखिए आपको फील आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। बेरी के नाम पे बेटा अपने को जो मिलता है वो टोमेटो मिलता है, बेरी के नाम पे टोमेटो ध्यान रखना, बेरी टोमेटो और बनाना ये इंपॉर्टेंट है। बेरी के नाम पे आपके पास जो फ्लैशी फ्रूट की कैटेगराइजेशन होती है बेरी, उसमें अपने को एक टमाटर और बनाना, बनाना भी एक बेरी होती है, राइट। दूसरी कैटेगरी है पेपो,
पेपो हमारे पास है वाटरमेलन कोकुम्बर, तीसरी कैटेगरी है ड्रूप, ड्रूप में तो एनसीईआरटी हमें दो एग्जांपल देती है मैंगो एंड कोकोनट, इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल पीच एंड प्लम भी होते हैं, इग्नोर। जो एग्जांपल बेटा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, किसका एग्जांपल, ड्रूप का, एक मैंगो और कोकोनट था, और एक और एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आमंड, आमंड जिसको हम क्या कहते हैं, बादाम। ये आमंड बेटा ड्रूप का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो आमंड इज अ ड्रूप। अब जब आपने बादाम खाया तो बादाम आपने किस तरीके से खाया है बात सोचो, यू गो टू द मार्केट एंड परचेज दिस बादाम एंड दिस इज व्हाट यू ईट एंड दिस इज द थिंग दैट यू आर ईटिंग एग्जैक्टली, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब नहीं है। बादाम जब आप मार्केट जाके बोलेंगे कि हमें बादाम गिरी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट बादाम चाहिए, तो वो आपको ये वाला स्ट्रक्चर देंगे, और जो ये शेल है बेटा आप हथौड़े से मार के या किसी चीज से मार के तोड़ते हो, और इस शेल को तोड़ने के बाद अंदर से ये बादाम निकलता है। तो बेटा जो ये शेल है, ये शेल एपिकार्प और मेसोकार्प है, जब इस शेल को तोड़ते हैं तो अंदर से ये निकलता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एंडोकार्प कहाँ है, तो मैं कहूँगा बादाम लो, डिप इनसाइड द वाटर एंड लीव इट ओवरनाइट, रात भर छोड़ दो, तो सुबह सुबह आप उसका छिलका निकाल देते हो, तो वो जो छिलका निकालते हो वो क्या है बेटा, एंडोकार्प। ये ड्रूप है, फ्लैशी फ्रूट की कैटेगरी में आता है, याद रखना बादाम एक ड्राई फ्रूट नहीं है, अपोजिट टू व्हाट वी नॉर्मली से। तुम बोलोगे सर हम तो बादाम यार बादाम काजू किशमिश ये सबको ड्राई फ्रूट में बोलते हैं, नहीं, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली नीट के मुताबिक वो कैटेगराइजेशन नहीं है, बादाम इज अ फ्लैशी फ्रूट दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफ ड्रूप्स। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ड्रूप्स में। बादाम में उसके पेरिकार्प के तीन हिस्से, एपी मीजो एंडोकार, ये तीन हिस्से। और कमाल की बात, सबसे बड़ी बात बेटा ये है, आप बादाम में जो चीज़ कंज्यूम करते हो वो उसकी वॉल नहीं कंज्यूम करते, आप बादाम के अंदर क्या कंज्यूम करते हो, उसकी सीड कंज्यूम करते हो। किसको कंज्यूम करते हो, उसकी सीड को। सोचो ना, बादाम आपने तोड़ा बेटा, आप जब बादाम में एंडोकार्प को भी हटा दोगे तो जब आप ओवरी को हटा देते हो तो अंदर क्या मिलता है, सीड मिलता है ना, तो बादाम में जो हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उसकी सीड कंज्यूम करते हैं। जब बेटा आप लोग बादाम को कंज्यूम करते हो तो आप देखो इस तरीके से देखते हो, बादाम अपने आप इस तरीके से आपके पास ये होते हैं, और इस तरीके से ऐसा हल्का सा निकला होता है, और ये एक नहीं, इस तरीके से यहाँ पे ये दो हिस्से होते हैं इस तरीके से, राइट, ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो होता है उसका एम्ब्रियो होता है, और ये होता है कॉटिलेडन, राइट। तो हम ये पूरा एम्ब्रियो और कॉटिलेडन खा जाते हैं, यानी बादाम की अपन जो चीज कंज्यूम करते हैं वो क्या है, सीड है। इतना डन, बादाम वाली कहानी यहाँ तक फट 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 मस्त क्लियर। नेक्स्ट है बेटा अपने पास हेस्पिरिडियम, हेस्पिरिडियम के नाम पे अपने पास है ऑरेंज, सीधी सी बात, ऑरेंज आप यहाँ पे देख सकते हो, और अपने को कुछ याद नहीं करना है। हेस्पिरिडियम में कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप ऑरेंज में खाते क्या, क्या खाते हैं ऑरेंज में, ये वाली बात ध्यान से समझने वाली है। इतना मैं आइडिया देता हूँ रफ्सी, तो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात देखना। यहाँ पे बेटा मैं ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, ऑरेंज में जब उसका आप इस तरीके से कवरिंग निकाल लेते हो तो छिलका निकाल देते हो, आप वो ऑरेंज कलर का पोर्शन हटा देते हो, आप ऑरेंज कलर के पोर्शन के जस्ट नीचे देखो व्हाइट कलर का रेशेदार फाइब्रस हिस्सा है, आप उसको भी फेंक देते हो, और फिर आपके पास इस तरीके से एक स्लाइस आती है, आती कि नहीं आती, और इस स्लाइस को भी आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर भी तो पतली सी व्हाइटिश सी कवरिंग है ना बेटा, क्या है, व्हाइटिश सा कवरिंग है इसके ऊपर, तो मैं उस कवरिंग की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास एंडोकार्प है। अब आप एक संतरा लीजिए, घर जाओ, आज आपको खूब सारे फ्रूट खिला के रहूंगा मैं, आप संतरा लीजिए, उस संतरे में बाहर वाली वॉल है जो हमारे पास क्या है, एपिकार्प, उसको हटा दो, उसके अंदर व्हाइटिश फाइब्रस सा लेयर है वो हमारे पास है मेसोकार्प, उसको भी फेंक देते हो, फिर आपके पास ये स्लाइस आ जाती है, और इस स्लाइस में जो व्हाइटिश वाली लेयर है बेटा उसको भी उड़ा के फेंक दो, क्योंकि वो एंडोकार्प है, खा भी लो तो नुकसान नहीं है, लेकिन वो अपन चीज खाते नहीं, हम कुछ और खाते हैं एक संतरे के अंदर। क्या, जब बेटा अगर हम एक संतरा देखते हैं तो उसमें जो यहाँ पे लेयर है, ये वाली लेयर इज प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा, राइट, और प्लेसेंटा से यहाँ पे आप देखना ध्यान से किस तरीके से आपको दिखता है, और इसी चीज में जूस भरा हुआ होता है, ध्यान से देखना आप मेरी बात को इस तरीके से समझ पाओगे कि मतलब मजा आ जाएगा। जो ये चीज होती है बेटा, प्लेसेंटा से निकलने वाले रेशे होते हैं, इनको हम लोग टर्म करते हैं प्लेसेंटल हेयर्स, और प्लेसेंटा के साथ यहाँ पे लटका हुआ हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पे लटके हुए कुछ इस तरीके से हमें सीड्स मिल जाते हैं। तो हम लोग इसके केस में क्या कंज्यूम करते हैं, हम लोग प्लेसेंटा कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ, यहाँ तक ऑरेंज अपने को क्लियर हुआ, आगे देखते हैं ऑरेंज के बाद क्या करना है।
बेटा इस केस में मैं शायद उल्टा बोल गया, हम लोग जो चीज़ कंज्यूम करते हैं वो प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं, राइट। तो देखो ऑरेंज के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर ऑरेंज कंप्लीट, नेक्स्ट बनता है पोम, दैट इज एप्पल। और एप्पल के लिए बेटा यहाँ पे एक स्पेसिफिक सी फोटो दिखा रखी है। अब जरा गौर करो, एप्पल में आप क्या कंज्यूम करते हो? एप्पल में आप बाहर वाला हिस्सा कंज्यूम करते हो, आप ये वाला हिस्सा कंज्यूम करते हो जो थैलेमस से डिराइव्ड है, ये वाला हिस्सा जो मीजोकार्प है आप वो भी कंज्यूम करते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एप्पल एक अपने आप में ट्रू फ्रूट नहीं है। जब भी अपने आप में ट्रू फ्रूट नहीं है तो दैट मीन्स प्लांट का कोई और हिस्सा इस चीज़ को बनाने में बड़ा अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपके सामने, तो यहाँ पर ये अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स हैं, स्पेसिफिकली थैलेमस, ये मीजोकार्प है, ये अंदर आपको एंडोकार्प मिलता है। अगर आप एंडोकार्प का भी एप्पल का खा लें तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ समथिंग दैट उसको थूकना पड़ जाएगा, क्योंकि देख थोड़ा सा हार्ड होता है बेटा, अजीब से जैसे प्लास्टिक सी फीलिंग्स आ जाती है, वैसे आप ऐसा लगता है कुछ खा रहे हो और उसके अंदर तो सीड होती है। तो यहाँ तक तो अपने को डन, यहाँ तक बेटा अपना क्लियर हो गया, पोम आमंड वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के नाम पे एक वो जो एक्स्ट्रा क्वालिटी जो बची थी, एक बलाउस्ता था, कुछ नहीं याद करना इसमें। एग्जाम्पल अपने को याद रखना है पोमोग्रेनेट, क्या याद रखना है पोमोग्रेनेट। और पोमोग्रेनेट में हम लोग क्या खाते हैं, बस ये दो चीज़ें, मतलब ऊपर वाला अगर आप नहीं भी करोगे तो वी डोंट, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि पोमोग्रेनेट पे आप क्या खाते हैं। बेटा पोमोग्रेनेट यानी अनार, अगर उसमें आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो सोचना क्या कि वो जो सीड होती है ना अनार की, उस सीड के आसपास आपको हमेशा सीड कोट मिलता है। तो सीड कोट अनार के केस में फ्लैशी हो जाता है, यानी जो टेस्टा टेगमेन नाम का जो सीड कोट नॉर्मली हमें देखने को या समझने को मिलता है ना बेटा, वो टेस्टा और टेगमेन अनार के केस के अंदर वो किस तरीके से होता है, फ्लैशी हो जाता है, वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और वो ऐसा टेस्टा टेगमेन है जो अनार के केस में कंज्यूम किया करते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो एम्फीसाक्रा, एम्फीसाक्रा यहाँ पर क्या होता है, मल्टीलोक्युलर सिनकार्पस, मल्टीलाइक ओवरी और ये सब चीज़ें, कुछ नहीं। एम्फीसाक्रा का एग्जाम्पल याद करो, बेल फ्रूट कहानी डन, वुड एप्पल या बेल फ्रूट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट इसकी फोटो दिखाई देगी। आप उसको सर्च कीजिए, फोटो देखिए और अपने मन की क्यूरियोसिटी को कर लीजिए शांत। यहाँ तक की बात क्लियर हुई बेटा? अगर यहाँ तक की बात क्लियर हुई तो मैं आपको थोड़ा याद करा देना चाहता हूँ कि हमने ऊपर पढ़े थे फ्लैशी फ्रूट्स, अब अपन पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के केस के अंदर हमें मालूम है पेरिकार्प ड्राई होता है, इसके ये तीन टाइप होते हैं, सिंपल सी बात, ये आपके पास तीन टाइप होते हैं। तो अब तीन टाइप के अंदर से इंडिहाइसेंट वाला, यहाँ पर जो हमारे पास इंडिहाइसेंट का कैरियोप्सिस और अकीन होता है ना बेटा, ये ज़रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं ना तो इनकी ना डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़रूरी। ध्यान से देखो, कैरियोप्सिस जब भी लिखा जाता है, एक सेकेंड, ये कैरियोप्सिस जब भी लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि सोचो इस बात को कि एक फ्रूट है, तो अगर अपने पास बेटा एक फ्रूट है तो फ्रूट में बाहर ओवरी वॉल है, फ्रूट वॉल यानी ओवरी वॉल, और उसके अंदर सीड। लेकिन ये कैरियोप्सिस ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर जो ओवरी वॉल है वो पतली है और सीड कोट के साथ फ्यूज कर चुकी है, सीड कोट के साथ फ्यूज जम चुकी है, एकदम मिल चुकी है। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट, और ये हमें किस केस में देखने को मिलता है, ये हमें राइस, ये हमें वीट और ये हमें मेज, इसके केस में देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप मेज का ध्यान, मेज का केस देखो तो मेज के केस में बेटा ये देखने को मिलता है कि जो सीड कोट है वो उसके साथ पेरिकार्प के साथ यानी फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज कर चुका है, ऐसी कंडीशन कैरियोप्सिस। दूसरा कंडीशन अकीन, अकीन क्या है, पेरिकार्प इज ड्राई एंड कंटेन्स अ सीड, सीड ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रॉबेरी आर एक्चुअली फ्रूट्स, अकीन्स पार्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी दैट वी ईट इज थैलेमस। क्या कंडीशन है, इधर हम लोग जब इस तरीके से देखते हैं, ये स्ट्रॉबेरी अपने को इस तरीके से देखने को मिलती है, जब स्ट्रॉबेरी अपने को ऐसे से देखने को मिलती है तो स्ट्रॉबेरी पे आपने छोटे छोटे इस तरीके से आपने ये देखे होंगे बेटा, ये दाने, ये जो स्ट्रॉबेरी पे अपने को देखने को मिलते हैं, जो आपको प्लस टू वाली एनसीईआरटी में भी दिखाया था, ये है अकीन। क्या है अकीन, और एक अकीन अपने आप में एक फ्रूट है, समझ सकते हो, एक अकीन अपने आप में एक फ्रूट है। अब ये जो अकीन है, ये वाली बात अपने को मस्त क्लियर हुई। अब ये जो रेड वाला पोर्शन हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, ये अपने पास क्या होता है, मॉडिफाइड थैलेमस, क्या होता है, मॉडिफाइड थैलेमस। इस पोर्शन को हम लोग स्ट्रॉबेरी के केस में करते हैं कंज्यूम। क्या एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यस। क्या ये फोटो एनसीईआरटी में दी हुई है, यस। तो कैरियोप्सिस समझ आ गया, क्लियर। अकीन्स कहाँ होते हैं ये समझ आ गया, कैरियोप्सिस हमें मेज में देखने को मिलता है, मक्का अभी, और हमें कहाँ देखने को मिलता है, या हमें वीट में देखने को मिलता है, इसके साथ साथ बेटा हमें देखने को मिलता है राइस में।
कैरियोप्सिस डन, ड्राई फ्रूट्स डन, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा, इनकी डेफिनेशंस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तो एक बार पढ़ लेना कुछ एक्स्ट्रा। एग्रीगेट फ्रूट तो बोले मैं आपको समझा चुका हूँ, एग्रीगेट फ्रूट बेटा इस तरीके से सिंपल फ्रूट देख लिए, एग्रीगेट फ्रूट फ्लावर एक ही है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। यहाँ पर अब सोचो, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक ओवरी कुछ एक फ्रूट बनाएगी, दूसरी ओवरी दूसरा फ्रूट बनाएगी, तीसरी ओवरी तीसरा फ्रूट, चौथी ओवरी चौथा फ्रूट। दैट मीन्स इतने बड़े, समझ लो कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में इतना बड़ा आपको ये फ्रूट देखने को मिलेगा, लेकिन इस फ्रूट के अंदर छोटे छोटे हिस्से जो आपको मिलेंगे वो इंडिविजुअली सेपरेट फ्रूट्स हैं। बात अगर इस बात को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग इस वाले फोटो को देख सकते हो। स्ट्रॉबेरी में मैंने तुम्हें खाना कि आपने कंज्यूम किया क्या, थैलमस कंज्यूम कर लिया, ये ग्रीन वाला, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है स्ट्रॉबेरी के, ये आपने रेड वाला पोर्शन कंज्यूम किया। अब ये पूरा का पूरा फ्लावर का पार्ट था, और मैंने कहा यहाँ पे मल्टीपल ओवरीज है, और मल्टीपल ओवरीज अलग अलग फ्रूट्स बनाएंगी, देखो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ओवरीज ने अलग अलग फ्रूट्स बना दिए, ये सुनो। तो दैट मीन्स ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कंडीशन इस तरीके से एग्रीगेट फ्रूट की होती है तो बेटा एक बहुत बड़े, एक आपके पास स्ट्रक्चर में छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो इंडिविजुअल ओवरीज के द्वारा बनाए गए फ्रूट्स होते हैं, समझ पे रहे हो। तो क्या कह सकते हैं कि ईच ओवरी फॉर्म अ ग्रुप, बेसिकली ऐसा बोलना चाहिए, ईच ओवरी बनाती है एक छोटा छोटा फ्रूट। ध्यान से देखना, मैं इस सेंटेंस को अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखें, ईच ओवरी फॉर्म अ स्मॉल फ्रूट, जैसे यहाँ पे अकीन बनाया, उसको अपन टर्म क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल्ड फ्रूटलेट, क्या कहते हैं, फ्रूटलेट। अब वो फ्रूटलेट होते हैं, वो दे स्टार्ट लिविंग एज एग्रीगेट फॉर्म्स, वो फ्रूटलेट क्या करते हैं, अब वो यहाँ पे देखो आपको बस ये काले काले छोटे छोटे फ्रूटलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक साथ एग्रीगेटेड फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं, और एग्रीगेटेड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इटारियो, क्या बोलते हैं, इटारियो। तो अब जब मैं इस स्ट्रक्चर के, स्ट्रॉबेरी के स्ट्रक्चर को देखूंगा, तो मैं कहूंगा स्ट्रॉबेरी इज अ एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अकीन्स, और एग्रीगेशन के लिए बेटा दूसरा वर्ड मैंने अभी भी सीखा, वो वर्ड क्या होता है, इटारियो। तो मैं ऐसा बिल्कुल बोल सकता हूं कि जो ये स्ट्रॉबेरी है, दिस इज इटारियो ऑफ अकीन्स, इटारियो ऑफ अकीन्स, कौन, ये वाली स्ट्रॉबेरी इज अ इटारियो ऑफ अकीन्स। अब यहां तक डन, पर यहां तक अपने पास डन हो गई, तो नेक्स्ट चीज अपन देख सकते हैं कंपोजिट फ्रूट, और ये वाली बात आपको जरा समझानी जरूरी है। कंपोजिट फ्रूट के अंदर, एक कंपोजिट फ्रूट के अंदर पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रहा था, ये बात तो अपने को याद आ रही, अभी आपको करके दिखाया था ना, मैंने इस तरीके से बोला था कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक इन्फ्लोरेसेंस है, और इस इन्फ्लोरेसेंस में ऐसे बहुत सारे, अपने पास ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनमें बहुत सारी ओवरीज हैं। अब ये पूरी की पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस थी, ये इन्फ्लोरेसेंस पूरी की पूरी इफेक्टिवली किसमें कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल फ्रूट के अंदर ये पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस अपनी कन्वर्ट हो गई। क्या आपको क्लियर हो रही है, एक सिंगल फ्रूट में। तो ये देखने में आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर को इससे रिलेट करोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो ये बीच वाला पोर्शन है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, और इन्फ्लोरेसेंस के स्टेम को क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैशी पेडंकल, ये पूरा का पूरा क्या है, पेडंकल है। और क्या इसके ऊपर लगे लगे फ्रूट्स होने चाहिए थे, इस पूरे के ऊपर ऐसे ऐसे फ्रूट्स लगे होने चाहिए थे, ये डॉट डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ। तो बेटा अगर इसकी मैं फ्रूट्स की बात करूँ, तो क्या आपने को ये एक फ्रूट, दूसरा फ्रूट, तीसरा फ्रूट, चौथा फ्रूट, पांचवा फ्रूट, छठा, ऐसे मल्टीपल फ्रूट्स आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस पूरे पाइन एप्पल को एक फ्रूट कहूँगा, तो इस इंडिविजुअल यूनिट को मुझे क्या देना चाहिए, फ्रूट लेट कह देना चाहिए, समझ पा रहे हो। ये वाली कंडीशन बेटा आपने को दिखा रही है, कौन सा फ्रूट, एक पूरा का पूरा कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट के अंदर आपने ये वाला कंडीशन देखी, कंपोजिट फ्रूट में तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोरोसिस लिखा हुआ है, डेवलप फ्रॉम स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कुछ नहीं याद रखना। कंपोजिट फ्रूट में सीधी सी बात बोलो, जो आपका याद करने का तरीका उसको हाईलाइट कर दो, तो मेनी फ्लावर्स ऑन एन इन्फ्लोरेसेंस आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ सर्टेन फ्रूट, इसका एग्जाम्पल पाइन एप्पल, और फोटो देखने के लिए ये, बस इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो मैं कहूँगा कुछ और नहीं चाहिए। ये वाली कंडीशन बेटा अपन ने किसके देखी, ये देखिए कंपोजिट फ्रूट। तो हम लोग समझ चुके हैं आज की क्लास में क्या, अगर एक मिनट में रिवाइज करूं तो जल्दी से देखो,
आपने ट्रू फ्रूट देखा, फॉल्स फ्रूट देखा। फॉल्स फ्रूट को ऐसा फ्रूट जो प्लांट के दूसरे हिस्सों से बना हो, एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एग्जांपल हमारे पास एप्पल, ये हमारे पास अलग अलग फॉल्स फ्रूट थे। फिर इसके अलावा हमने ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट किया, फिर हमने कहा ड्राई और फ्लेशी फ्रूट। और इसके साथ साथ एक और कैटेगरी पड़ी थी, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे बोला जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, सीधी सी बात। ड्राई फ्लेशी के अंदर हमने जब फ्लेशी फ्रूट होता है तो उसके पेरिकार्प होते, उसके तीन लेयर्स होते हैं, बाहर वाला एक्टोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, अंदर वाला एंडोकार्प। सीधी सी बात क्लियर हो रही है। जब हम इस ड्राई फ्रूट फ्लेशी फ्रूट की अलग अलग कैटेगरीज को देख रहे, तो हमने पोम, बेरी, हेस्पिरेडियम, बालाउस्ता, एम्फीसाक्रा, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हमने पूरी की पूरी पढ़ ली। ड्रूप, ड्रूप की कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट तीन एग्जांपल्स अपने पास मैंगो, कोकोनट एंड आमंड, ये तीन कैटेगरीज देखी। इफेक्टिवली फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स के अंदर आगे, ड्राई फ्रूट्स के अंदर आगे हमने बाकी सारी चीज़ों को स्टडी किया। ड्राई फ्रूट्स को स्टडी करते करते रियलाइज किया कि इनका जो पेरिकार्प है वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर दो कैटेगरीज देखी, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास कौन सा, कैरियोप्सिस, और दूसरा हमारे पास अकीम। कैरियोप्सिस हमें मिलता है इन द केस ऑफ मेल्स, इन द केस ऑफ वीट, इन द केस ऑफ राइस, और अकीन इन द केस ऑफ द स्ट्रॉबेरीज। फिर हमने फ्रूट्स को देखा कि वो कितने फ्लावर और कितनी ओवरी से निकल रहे हैं। अगर सिंगल फ्लावर से है तो सिंगल फ्लावर से वो हो सकता था आपके पास सिंपल फ्रूट या एग्रीगेट फ्रूट। अगर वो, अगर सिंगल फ्लावर में मोनोकार्पल ओवरी या फिर सिनकार्पस ओवरी से मिल रहा है तो वो सिंपल और सिंपल फ्रूट होगा। अगर वो पॉलीकार्पल एपोकार्पस से मिल रहा है तो वो एग्रीगेट फ्रूट होगा। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल बट आपने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी देखा। फिर आपने देखा कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट यानी एक ऐसा फ्रूट जिसमें पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिलकर आपको एक सिंगल फ्रूट बना दे रहा है, और तो इंडिविजुअल जो हिस्से होंगे उनको हम फ्रूट लेट हम करेंगे, और ये फोटो आपके सामने एकदम बेहद खूबसूरत से मजेदार से आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बेटा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। पता है मुझे कि तुम लोगों को बढ़िया से समझ आया है, इसी के साथ लगे रहना, समझते रहना और आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक, और फोड़ते रहो।